नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। शिवपुर के करधा सारसिल्ला पुलिया के पास अनियंत्रित होकर फिसली बाइक, दुर्घटना में महिला की मौत, तीन लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। ककरादा सारसिल्ला पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। श्योपुर जिले की देहात थाना क्षेत्र के ककरादा सारसिल्ला पुलिया के पास शनिवार की शाम 6 बजे के आसपास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से बाइक पर सवार महिला मौसमी बाई पत्नी विजय आदिवासी उम्र 32 साल की मौत हो गई। मृतका सारसिल्ला गांव की निवासी बताई गई है। देहात थाना प्रभारी शशि तोमर ने रविवार को सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए के बताया, सारसिल्ला गांव में लक्ष्मण पुत्र लड्डू आदिवासी, मिथुन आदिवासी, लपकुश आदिवासी और महिला मौसमी बाई आदिवासी बाइक से श्योपुर के मेला मैदान स्थित दशहरा कार्यक्रम में आ रहे थे। शनिवार की शाम 6 बजे ककरादा सारसिल्ला पुलिया के पास बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिसके कारण महिला की मौत हो गई है। बाइक पर सवार लक्ष्मण पुत्र लड्डू निवासी फक्कड़ चौराहा श्योपुर 25, मिथुन निवासी फक्कड़ चौराहा श्योपुर और लपकुश फक्कड़ चौराहा श्योपुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ है? गाड़ी फिसल गई, थोड़ा तेज बोल। कौन सी जगह की ये घटना है? कितने लोग थे तुम लोग? तीन। आपकी बहन? क्या नाम था उसका? मौसमी। रेफर किसको किया है? लवकुश को। लक्ष्मण जी बताइए किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ है और आप कहाँ से कहाँ आ रहे थे? हम श्योपुर, वहाँ सारसिल्ला से हम श्योपुर के लिए आ रहे थे। मतलब अचानक ही भैंस आ गई जो बस। क्या आ गई थी? भैंस आ गई थी, मेरा संतुलन बेकार हो गया। संतुलन बिगड़ गया। कितने लोग थे आप? हम चार लोग थे। चार लोग थे। घायल कितने अभी? घायल तीन। तीन लोग। और मौसमी भाई की क्या डेथ हो गई है? तो श्योपुर आप क्यों आ रहे थे? श्योपुर हमारा घर है ना, उसकी ससुराल है वहाँ पर। अच्छा, उसकी आपकी बहन है वो मौसमी बाई।